वही कर्नाटक में भी आज 4 राज्यसभा सीटों के लिए वोट डाले जाने वाले हैं और 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के पास 135 विधायक हैं और वो आसानी से 3 सीटें जीत सकती है। बीजेपी के पास भी 66 विधायक हैं और पार्टी अपने उम्मीदवार को बगैर किसी परेशानी के जिता लेगी। 5वां उम्मीदवार जेडीएस का है। जेडीएस के पास 19 वोट हैं, बीजेपी के पास 21 सरप्लस वोट हैं। बीजेपी के समर्थन जेडीएस के पास के 40 वोट हो जाएंगे, यानी जेडीएस उम्मीदवार डी कुपिन रेड्डी को जीतने के लिए 5 और वोटों की जरूरत पड़ेगी। अगर कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की तो खेल बिगड़ सकता है।